अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 10। इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट स्विच केस स्टेटमेंट एंड इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट लूप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट। वी विल डिस्कस व्हाइल लूप इन दिस लेक्चर एंड रिमेनिंग लूप टाइप्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो कम टू द पॉइंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो व्हाइल लूप है। जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारी टाइप्स के लूप्स हैं जिनमें व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, फॉर इन लूप है। आज की क्लास में हम जो है व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लूप होता क्या है। लूप को बेसिकली आप आइट्रेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें यह है कि अगर किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार प्रिंट करवाना चाहें, बार बार यूज़ करना चाहें, आप चाहते हैं कि एक ही चीज़ जो है वो बार बार प्रिंट हो। यहाँ पे ये चीज़ लिमिटेड नहीं है कि यहाँ पे जस्ट मैं बात कर रहा हूँ प्रिंट कराने की, तो आप बस इसको प्रिंट ही करा सकते हैं और कुछ नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है। आप कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार करना चाहें एक सर्टन कंडीशन के ट्रू होने पर, आप लूप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपकी वो जो बार बार जो चीज़ें आप कर रहे थे उससे लूप हट जाएगा। सो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे एक मैं फाइल बना लेता हूँ व्हाइल लूप के नाम से। whileloop.html यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करूँगा और पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इधर आके सिंपल मैं स्क्रिप्ट का टैग क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे हमने लूप क्रिएट करना है। सो लूप क्रिएट करने के लिए उससे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं वेरिएबल लेता हूँ माई वैल्यू, तो इसको मैं दे देता हूँ 1। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ये वैल्यूज़ 10 तक प्रिंट करना चाहता हूँ। अब मुझे बार बार इसको लिखने, यानी मैं 10 वेरिएबल लूँ या एरे में इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं एक ही वैल्यू को यूज़ करते हुए 10 टाइम इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ और इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट करना चाहता हूँ। अब वैल्यू मैंने 1 ली है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ये चीज़ प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल लिया माई वैल्यू के नाम से। यहाँ पर अब लूप क्रिएट करने के लिए आप सिंपल व्हाइल लिखेंगे। व्हाइल लूप क्रिएट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने वो कंडीशन देनी है। तो मैं कहता हूँ माई वैल्यू जो है लेस देन आर इक्वल टू 10 हो तो इस लूप ने चलते रहना है। यानी यहाँ मैंने कंडीशन दी है, जब तक मेरी माई वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 10 या लेस देन 10 हो तो ये क्या करे, ये स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी मैं लिखूँगा वो चलता रहे। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ document.write और इधर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं माई वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ सेमी कॉलन। अब कंट्रोल एस करता हूँ और राइट क्लिक करके अगर मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो मेरे पास ये चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि मैंने कोई चीज़ इसमें कोई वो नहीं किया। क्या नहीं किया, यहाँ पे कोई चीज़ ब्रेक नहीं की, कोई सर्टन इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करवाया, कोई डिक्रीमेंट नहीं करवाया। सो ये बस 1111 प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये अभी स्टिल वर्क कर रहा है, ना इसने रुकना है लूप ने और ना ही यहाँ पे कुछ प्रिंट होना है, ये स्टिल चलता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे माई वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। इंक्रीमेंट क्या होता है, किसी वैल्यू में आप अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो मैं इसमें माई वैल्यू में 1 ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल माई वैल्यू प्लस प्लस कर देता हूँ। ये क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका प्रोग्राम, वार माई वैल्यू में 1 पड़ी हुई है। यहाँ पे आएगा लूप में, ये देखेगा माई वैल्यू जो है इसमें 1 पड़ा हुआ है इस वक्त, तो ये लेस देन आर इक्वल टू 10 है, लेस देन है ना। सो ये क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई वैल्यू के अंदर 1 पड़ा था ये प्रिंट कर देगा। माई वैल्यू में अब एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, यानी 1 + 1 = 2 हो गया। 2 होने के बाद ये दोबारा इधर आएगा, माई वैल्यू में इस वक्त 2 पड़ा हुआ है, कंडीशन 2 है, लेस देन 10 है। सो क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएगा और 2 इस वक्त पड़ा हुआ था तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद आगे जाएगा माई वैल्यू में प्लस प्लस कर देगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा अगेन, इसमें इस वक्त 3 वैल्यू पड़ी हुई है, लेस देन 10 है, सो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज़ की 4 हो जाएगी।
जब ये पहुंचता है 10 पे, यहाँ पे इस वक्त फर्ज करें इंक्रीमेंट होते हुए 9 तक प्रिंट हो गया और इस वक्त इसमें इंक्रीमेंट हो गया 10 वैल्यू होगी। इधर आया 10 हो गई, लेस देन और इक्वल टू 10 बराबर है जी, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी 10 एंड देन यहाँ पे 11 अब हो जाएगा। जैसे 11 होगा यहाँ पे चेक करेगा माई वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10, तो 11 पड़ा हुआ है तो यहाँ से ये टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ से ये बाहर निकल आएगा। सो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ऑल्ट टैप करता हूँ। सो अब देखते हैं ये क्या करता है, मुझे इसको चेक करने दें, कोई चीज़ आ रही है। ओके फाइन, इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, ओपन विद लाइव सर्वर, और आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये तो 10 वैल्यूज़ हैं। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ 100 कंट्रोल एस आल टैप, आप देखें 100 वैल्यू तक ही चली गई है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये एक लेटर जो है एक लाइन पर आए, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके प्लस एन इधर आके बी आर का टैग लगा देता हूँ, कंट्रोल एस आल टैप, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 9 सो ऑन, ये 100 तक जा रही है। अगर यहाँ पे मैं इसको 1000 कर दूँ, कंट्रोल एस आल टैप, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इस वक्त 1000 तक जा रही है, चेक करें आप। ठीक है, एक और चीज़, ये कंडीशन जो है ये आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। मैं अगर फ़र्ज़ करें 100 तक प्रिंट करना है अपनी मर्जी से बना, तो ये आपकी अपनी लॉजिक होती है। तो ये मुझे 100 तक मिल गई। अब इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ लेस देन आर इक्वल टू, नहीं मैं कहता हूँ कि लेस देन 101 यानी 101 से कम तक हो तो ये चलती रहे, तब भी ये 100 तक प्रिंट करेगा। सो ये लॉजिक आप अपने हिसाब से बनाते होते हैं। ठीक है, मैं अगेन इसको इक्वल टू 100 कर देता हूँ। अब एक और काम करते हैं, मैं कहता हूँ कि 5 जो है ना वैल्यूज़ वो एक लाइन में आए। सो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इफ एल्स कंडीशन पढ़ी थी, तो यहाँ पे मैं यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, वाइल के साथ मैं कहता हूँ इफ़ माई वैल्यू रिमाइंडर 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि अगर माई वैल्यू को डिवाइड किया जाए 5 पे और रिमाइंडर 0 बचे, तो फिर तुमने क्या करना है, फिर तुमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बी आर को प्रिंट करा देना है। देन ये चीज़ अब कंट्रोल एस करता हूँ, आल्ट टैब, और देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन सो ऑन। अब मैं इसको, मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिस भी आ जाएं। सो यहाँ पे मैं आके प्लस का साइन दे के इधर एक स्पेस दे देता हूँ, कंट्रोल एस आल्ट एंड, आप देखें अब ये स्पेस भी आ गई है। सो इसमें ये हुआ क्या है कि ये जब 5 पे पहुंचा है, तो 5 के बाद 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1, यानी एक पे एक एक तो उसकी वैल्यू आ गई ना, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचता। लाइक अगर मैं 6 डिवाइडेड बाय 1 5 करूं तो फिर कुछ बच जाएगा ना, 5 डिवाइडेड बाय 5 तो कुछ नहीं होगा ना, 5 डिवाइडेड बाय 10 आएगा तो 2 उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई थी, इफ़ माई वैल्यू डिवाइडेड बाई 5 एंड रिमाइंडर में 0 बचे, तो क्या हो जाए, ये रिमाइंडर का साइन है। ठीक है, 0 बचे तो फिर ये लाइन ब्रेक कर दे। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे इस सारे को मिटाने लगा हूँ, और इधर एक वेरिएबल ले लेता हूँ टेबल के नाम से, और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 5 एंड देन इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन, देन यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लेता हूँ काउंट के नाम से, और उसमें 1 वैल्यू पास कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब वाइल, और यहाँ मैं कहता हूँ कि काउंट ने जो चलना है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 तक चलना है, और इसने मुझे प्रिंट क्या करना है, उससे प्रिंट क्या करना है, मैं एक टेबल बेसिकली बनाना चाह रहा हूँ, 5 का टेबल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ माई टेबल, और उसमें मैं कर लेता हूँ टेबल, देन कंकैटिनेशन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्रॉस लिख लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मज़ीद कंकैटिनेशन कर लेता हूँ। बेसिकली मैं ये चीज़ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, 5 × 1 इज इक्वल टू 5, इस तरह ये पूरा टेबल बनाना चाह रहा हूँ। तो ये आपका टेबल, इस वक्त टेबल में 5 है, ये चीज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई कंकैटिनेशन के साथ आ जाएगा, 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा काउंट, देन मैं अगेन कंकैटिनेशन में कर रहा हूँ इक्वल टू, एंड देन फिर क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू के बाद क्या कर रहा हूँ,
जो आंसर आ जाए। आंसर यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्लस कंकैटिनेट करके टेबल मल्टीप्लाई बाय काउंट एंड सेमी कॉलन। उसके बाद यहाँ पे मैं कंकैटिनेट करके इसको लाइन ब्रेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेता हूँ, माई टेबल को। और यहाँ पे मैं काउंट में इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, ए बराबर है ये चीज़ और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये बराबर है, ये दोनों स्टेटमेंट बराबर हैं। आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट बराबर हैं। सो इनमें से मैं ये करके इस ऊपर वाले करके दिखा लेता हूँ, फिर नीचे वाले करके दिखा दूँगा। आर टैप दबाऊँगा और इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ और देख लेते हैं ये हमें प्रिंट क्यों नहीं आ रहा। अभी देख लेते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर। टेबल काउंट काउंट लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड ओके हियर आई टाइप टी कंट्रोल एस आल टैब एंड आपके सामने ये चीज़ आ रही है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 एंड सो ऑन, फिर 10 तक जा रहा है। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप 22 का टेबल बनाना चाहें, सिंपल यहाँ पे आप टाइप करेंगे 22 टाइप करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, आपका जो है टेबल रेडी है। अब ये चीज़ें होती हैं डायनेमिक। सो जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में कि कितनी ये क्लाइंट्स है और कितनी एक ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और कितनी ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पर को लाइक करना, शेयर करना और इन पर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।